अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप अपनी ओपोनेंट कमला हैरिस पर बढ़त बनाते दिख रहे हैं। इस हफ्ते आए नए पोल के हिसाब से कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ रही हैं। ये पोल ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने में एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। रविवार को जारी 3 सर्वे में ट्रंप पर हैरिस की बढ़त कम हुई है या पूरी तरह से खत्म हो गई है। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले ऐसे सर्वे का सामने आना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। CNN की रिपोर्ट की माने तो NBC न्यूज के पोल में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवार नेशनल स्तर पर हुए, जिनमें 48% के साथ वो बराबरी पर हैं। ये हैरिस के लिए इसलिए झटका है क्योंकि पिछले महीने इसी पोल में उनको ट्रंप पर 5 अंकों की बढ़त मिली थी। ABC न्यूज इप्सोस पोल्स में हैरिस 50 और ट्रंप 48% पर हैं। पिछले महीने इस सर्वे में हैरिस 52% और ट्रंप 46% पर थे। CBS न्यूज योगाव के नए पोल्स में हैरिस को 51% से 48% तक बढ़त हासिल हुई है, जबकि पिछले महीने उन्हें 4 अंकों का फायदा हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों की चिंता इससे भी बढ़ी है क्योंकि हैरिस पार्टी के 2 प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों हिस्पैनिक्स और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच समर्थन बढ़ाने में नाकामयाब रही हैं। कमला हैरिस सभी जातियों की महिलाओं के बीच ट्रंप से आगे दिख रही हैं, लेकिन उन्हें अफ्रीकी अमेरिकियों और हिस्पैनिक पुरुषों के बीच समर्थन बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स सियना कॉलेज के पोल में हैरिस को 78% ब्लैक मतदाताओं और 56% हिस्पैनिक वोटर्स का समर्थन हासिल हुआ है। ये 2020 और 2016 के चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को इस वर्ग को मिले वोटों की तुलना में काफी कम है। पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक नेता बराक ओबामा ने भी गुरुवार को अश्वेत लोगों को हैरिस की उम्मीदवारी के लिए कम उत्साह दिखाने पर चिंता जताई है। ओबामा ने पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में एक अभियान कार्यक्रम में अश्वेतों को संबोधित किया और कहा, आप सभी प्रकार के कारणों और बहानों के साथ आ रहे हैं, मुझे इससे समस्या है। हैरिस और ट्रंप ने अपना अभियान तेज कर दिया है। रविवार को हैरिस ने उत्तरी कैरोलिना और ट्रंप ने एरिजोना में कार्यक्रम आयोजित किए। हैरिस लगातार अपने अभियानों में ट्रंप पर निशाना साध रही हैं, तो ट्रंप भी तमाम वादे कर रही हैं। ट्रंप ने कई बड़े वादे मतदाताओं से चुनाव प्रचार के दौरान किए हैं, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि किसके वादे और किसकी कसमें मतदाताओं को लुभाती हैं और 5 नवंबर के बाद मतदाता किसे अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।